दोस्तों, बात चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की हो या फिर साउथ इंडस्ट्री की, हर सितारों के लिए उनकी फिल्में काफी मायने रखती हैं। इसलिए तो जब भी हमारे फिल्मी सितारे किसी फिल्म के प्रोजेक्ट को साइन करते हैं तो उस फिल्म को साइन करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि उन्हें आगे चलकर इस फिल्म से फायदा होने वाला है या नुकसान। और इसी दुविधाजनक स्थिति के चलते कई बार वो अपने हाथों से ऐसे बड़े बड़े मौके और फिल्मों के आइकॉनिक रोल को ठुकरा देते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता कि आगे चलकर वो फिल्म काफी हिट होने वाली है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ और बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े आइकॉनिक रोल को ठुकरा दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन से हैं वो अभिनेता, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अल्लू अर्जुन। इस लिस्ट में साउथ इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार के नाम से मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन का नाम शुमार है, जिन्होंने भी साल 2018 में आई साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में रॉकी के रोल को ठुकराया था। जी हां, सही सुना आपने, अभिनेता यश को ये रोल मिलने से पहले डायरेक्टर प्रशांत नील ने अल्लू अर्जुन को रॉकी का किरदार ऑफर किया था, पर अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली फिल्म ना पेरू सूर्या मूवी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे थे। बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट करना सही समझा। नंबर 2, ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी इन्हीं अभिनेताओं में से एक है जो आइकॉनिक रोल को रिजेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ, वो आइकॉनिक रोल कोई और नहीं बल्कि आगामी फिल्म बेल बॉटम में अक्षय कुमार का है, जिसे ऋतिक रोशन रिजेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ, बता दें, अक्षय कुमार के रोल को रिजेक्ट करने के पीछे की वजह ये रही कि इन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने अक्षय कुमार के रोल को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 3, जॉनी लीवर। 25 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म में जाने वाली फिल्म कूली नंबर 1 में मालती के मामा चिंकू के किरदार में नजर आने वाले राजपाल यादव इस फिल्म के निर्देशक डेविड धवन की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इससे पहले मालती के मामा चिंकू का किरदार अभिनेता जॉनी लीवर को ऑफर हुआ था, पर उन्होंने इस किरदार को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये फिल्म साल 1995 में आई फिल्म कूली का रिमेक है जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं करने वाली है। इसलिए उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हुए इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके चलते ये फिल्म अंत में राजपाल यादव को ऑफर हुई। नंबर 4, शक्ति कपूर। साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म कूली नंबर 1 में गोविंदा के साथ एक अहम भूमिका में नजर आने वाले शक्ति कपूर को एक बार फिर से इनकी रीमेक कूली नंबर 1 में काम करने का गोल्डन चांस मिला, पर उन्होंने बिल्कुल जॉनी लीवर की तरह इस फिल्म को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये इसका रीमेक है, इसलिए कम ही चांस है कि ये फिल्म दर्शकों के बीच खरी उतर पाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भी इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके चलते फाइनली इनकी जगह परेश रावल वरुण धवन के ससुर के दमदार किरदार में नजर आएंगे। नंबर 5, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी इन अभिनेताओं की तरह है, जिन्होंने भी इन अभिनेताओं की तरह आइकॉनिक रोल को ठुकरा दिया है। बता दें, वो आइकॉनिक रोल कोई और नहीं बल्कि तेलुगु की रीमेक आगामी फिल्म कैथी है, जिसमें इन्हें अजय देवगन के रोल के लिए चुना गया था, पर इस फिल्म की स्क्रिप्ट इन्हें पसंद ही नहीं आई, इन्हें वो किरदार कुछ खास नहीं लगा, इसलिए सुनील शेट्टी ने कैथी मूवी को रिजेक्ट कर दिया, और इनके रिजेक्ट करने के बाद ही ये फिल्म हाथ लगी अभिनेता अजय देवगन के, जो इस फिल्म की शूटिंग में जोरों शोरों से लगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता को फिल्म नहीं ठुकरानी चाहिए थी? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।